नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। इमरान खान तालिबान को मदद करने की अब कीमत चुकाएंगे, अमेरिका उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। हम इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं, आप सोचकर आश्चर्य में पड़ गए होंगे। ऐसा क्या हो गया कि जिस पाकिस्तान के सहारे अमेरिका इतने साल तक अफगानिस्तान में संघर्ष करता रहा, अब उसी का वो दुश्मन बन गया है जी। तो अब खबर ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का मूड अमेरिका बना चुका है, इसीलिए लगातार इमरान खान की बेइज्जती के बाद अब पाकिस्तान पर कार्रवाई की बारी आ गई है। और ये कार्रवाई जो है वो सिर्फ बाइडेन सरकार की नीति नहीं है, बल्कि पूरे अमेरिका से ये आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान जैसे आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश के खिलाफ पुरजोर कार्रवाई की जरूरत है। क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, हमारे साथ आप बने रहिए। दरअसल अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के 22 सेनेटर्स ने एक विधेयक पेश किया। 57 पेजों के इस बिल का नाम है अफगानिस्तान आतंकवाद निरोधी निगरानी और जवाबदेही अधिनियम। इस विधेयक में अमेरिकी सरकार से पूछा गया है, अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप के 20 वर्षों के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों बन गई। विधेयक में कई जरूरी सवाल हैं जिसका जवाब देते देते इमरान खान थक जाएंगे, क्योंकि ऐसे सवालों के जवाब देकर इमरान खान का गर्दन फंसना तय है। विधेयक में पूछा गया है कि तालिबान को सत्ता में लाने के लिए पाकिस्तान ने किस तरह की मदद की, इसमें खास तौर पर वित्तीय, इंटेलिजेंस इनपुट, खुफिया, राशन, मेडिकल सहायता, मदद कैसे की गई, एक एक चीज का हिसाब मांगा गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने किस तरह से तालिबान को हथियारों से ट्रेनिंग दी, इसका हिसाब भी पूछा गया है। सबसे बड़ी बात है कि विधेयक में पूछे गए सभी सवालों का जवाब किसी पंचवर्षीय योजना की तरह लटकाया नहीं जा सकता, बल्कि अगले एक साल के अंदर सीनेट के सामने इन तमाम सवालों के जवाब देने ही होंगे। यानी पाकिस्तान ने तालिबान के साथ दोस्ती की जितनी ईएमआई भरी है उसका सब कच्चा चिट्ठा अमेरिका के सामने खुलेगा। इस विधेयक पर इमरान सरकार बुरी तरह से हिल गई है। इस विधेयक पर पाकिस्तान के मंत्री जो हैं वो नाराजगी जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर अमेरिका का साथी बनने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये विधेयक किसी गाइडेड मिसाइल की तरह पाकिस्तान के ऊपर गिरा है, जिससे पूरी इमरान सरकार में डर और बेचैनी का माहौल साफ दिख रहा है। इमरान खान की सरकार इस विधेयक को अत्याचार बता रही है और पाकिस्तान की संसद के अंदर इमरान खान की अनलिमिटेड बेइज्जती का दौर अब शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इमरान खान की मुसीबत जो है वो डबल ट्रिपल होती चली जा रही है। और भारत लगातार ये बात कहता आया है कि जब भी पाकिस्तान आतंक की मदद करेगा तो उसका यही हाल होगा, क्योंकि भारत लगातार पाकिस्तान की ऐसी ही नीतियों को एक्सपोज करने का काम करता रहा है। भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती पहले ही पाकिस्तान के लिए परेशानी का कारण थी। उसके ऊपर इस तरह के सीनेट के द्वारा जो विधेयक पेश किए जा रहे हैं, जो बिल लाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी है कि भाई पाकिस्तान के बुरे दिन अभी शुरू हुए हैं और ये पार्टी बुरे दिनों की उनकी अभी लंबी चलने वाली है। ऐसे ही तमाम वीडियो और खबरों के लिए देखते रहिए आप भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।